आपने देखा होगा कि आप पहले की पॉलिटिक और आज की पॉलिटिक, हम भी मंत्री रहे, हम भी बड़ी बड़ी पोजीशनों पर रहे, पर हम लाइफ का पहले एंजॉय करते थे। हम मिनिस्टर हैं तो हम एंजॉय करेंगे, नीचे जो काम होता है होने दो। आप देखिए हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, जिन्होंने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए, जिसने दुनिया के साथ अच्छे संबंध बनाए उसको उठा के फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, पॉलिटिशियन को नहीं बनाया। ऐसे ही नरसिम्हा राव जी ने कभी मनमोहन सिंह जी को बनाया, तो उन्होंने ऐसे लोगों को निकाल निकाल के जिम्मेदारी दी। अब जनरल रावत है, उनको तीन फोर्सेस का, एयरफोर्स, फौज, नेवी का चीफ बना दिया। तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो। हर उस व्यक्ति को जिसके अंदर एक हुनर है, जिसके अंदर एक्सपीरियंस है, जो राष्ट्र के लिए, उद्योग के लिए, सुरक्षा के लिए, अजीत डोभाल है जो पाकिस्तान में सब्जी बेचते रहे 6 साल, राष्ट्र के लिए काम करते रहे, वो वहां उनकी जिंदगी भी खतरे में जा सकती थी, उनको अलग जिम्मेदारी दे दी। जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी उन्होंने दी, उन्होंने राष्ट्र की जिम्मेदारी पूरी संभाली। तो आज आप इस चीज का बिल्कुल फिक्र ना करो कि इंटरनेशनल तौर पे आज नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का नाम तो ऊंचा किया है, राष्ट्र की सुरक्षा भी मजबूत की है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। हमने देखा है बेटा जी कि 2009 में जब ताज के ऊपर अटैक हुआ था, तो इंडिया में जो टूरिज्म रेट था उसके दूसरे साल वो बहुत नीचे आ गया था। लोग इंडिया में आने से डरते थे, टूरिस्ट लोग जो है, और टूरिस्ट एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, क्योंकि उससे जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। पिछले 5 साल में कुछ चेंज देख रहे हैं हम, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, टूरिज्म की बात अगर कहें, गुजरात तो एक नंबर पे है, और पूरे देश के अंदर जो मैं ये कहूँ कि क्योंकि जहाँ बम ब्लास्ट होते हैं, जहाँ गोलियाँ चलती हैं, जहाँ रोज खून की नदियाँ बहती हैं, हम तो यहाँ न्यूज़ पर देखते हैं, पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में ज़्यादा फैलती है। और आपने देखा होगा कि जब 26/11 की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई, हम राजस्थान के अंदर हनुमान जी का एक मंदिर हर महीने मंगलवार या शनिवार जाते, वहाँ किसी ढाबे में रुक के खाना भी खाते, और वहाँ फॉरेनर भी बहुत आते थे। हमने उनको कहा फॉरेनर नहीं आते, कहते फॉरेनर आना बंद हो गया, ना बॉम्बे, ना गुजरात, ना दिल्ली, ना राजस्थान, राजस्थान तो बहुत आते हैं। मैं कह क्यों, कहते 26/11 की घटना हुई, फॉरेनर डर गया। पर जिस राष्ट्र के अंदर बम्बला होने बंद हो जाए, गोलियाँ चलनी बंद हो जाए, खून की नदियाँ बहनी बंद हो जाए, देश की सुरक्षा मजबूत हो जाए, तो फॉरनर आके इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करेगा, वहाँ का बिजनेसमैन आके यहाँ अपना पैसा क्यों नहीं लगाएगा। पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, सबसे बड़ा किया कि देश की चारों तरफ सुरक्षा, देश को हर व्यक्ति की सुरक्षा, उनको मजबूत किया, और उसके कारण मुझे बिल्कुल लगता है कि आने वाला जो हमारा वक्त है वो बड़ा भारत के लिए कच्चा है। और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे आप नरसिम्हा राव जी के वक्त, आपका एक इलेक्शन का इंसिडेंस, में आपका जब स्टडी कर रहा था तो इलेक्शन का मुझे एक इंसिडेंस आया जो है कि आपने कुछ गलत फॉर्म भर दिया था जानबूझ के। इलेक्शन में जो फॉर्म भरना रहता है, तो आपने जानबूझ के गलत फॉर्म भर दिया था। देखो, मैं राजनीति में जब आया तो पहली बात तो ये है कि राजनीति नाम बड़ा अजीब है, आपस में आप किसी से बात करते हैं, गुस्से में करते हैं, उसको जरूर कहते हैं अरे मेरे से राजनीति मत करना, कभी आपने सोचा इसका मतलब क्या है? स्पीकर से पहले हमारी मैडम इंदौर की, तो मैंने सुना इनका पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो बोल रहे अरे यहाँ राजनीति मत करना, कभी राजनीति का मतलब समझा? राजनीति का मतलब अच्छा नहीं। और मैं पॉलिटिक्स में अगर आया था तो सिर्फ राष्ट्र की सेवा के लिए आया था, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, पर नरसिम्हा राव जी ने कहा कि चुनाव लड़ना है। पर जब आतंकवादियों ने कहा अगर बिट्टा चुनाव लड़ेगा तो बम्बों से उड़ा देंगे, जो वोट डालने जाएगा हाथ काट देंगे, उस वक्त पंजाब हिंदुस्तान से टूटने वाला था, उस वक्त पंजाब में खालिस्तान बनने वाला था, हमने चुनाव इसलिए लड़ा बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए, क्योंकि काफी सालों से गवर्नर रूल था, हमने चुनाव लड़ा, हमारे ऊपर बम चले, पर हमने बम गोलियां खा करके जब पंजाब में अमन शांति कर दिया, उसी दिन फैसला कर दिया आज
आज के बाद बिट्टा चुनाव नहीं लड़ेगा, अपना कर्तव्य पूरा करेगा। फिर टिकट मिला कांग्रेस की तरफ से, हमने फॉर्म को गलत भर दिया, हमने कहा हमने अपने मिशन को पूरा कर दिया। उसके बाद कोई चीफ मिनिस्टर देने के लिए तैयार रहा, चीफ मिनिस्टर सरदार बेन सिंह की शहादत के बाद नरसिम्हा राव जी सुबह शपथ लेना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एसपी चौहान जाएंगे शपथ दिलाने चीफ मिनिस्टर की। हमने कहा हमारा काम नहीं, अब पूरे राष्ट्र के अंदर आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रभक्ति के लिए काम करेंगे। हमने राजनीति को वक्त त्याग दिया, आज राष्ट्रनीति होनी चाहिए जो चल रही है, राष्ट्रनीति। राजनीति का जो मैना है ये बंद होना चाहिए, जिस दिन हर पॉलिटिशियन के अंदर आ जाएगा राष्ट्रनीति राष्ट्रनीति, हमारा भारत बहुत आगे जाएगा। राजनीति बहुत एक, मैं समझता हूँ, मैं अच्छा नहीं मानता।